यही साथियों, और सबसे पहले तो जितने सारे भाई आज क्वालिफाई किए हैं, इन सभी को पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना है, बधाई है। और हमारे बीच हमारे ही एक बच्चा और जो कि बहुत सुपरसीड रहा है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, खेसारी। ये फिर एक खेसारी, टीम में दो ही खेसारी थे, एक कहाँ गया बेटा? अरे खेसारी, चल। तो ये बहुत ही इंजॉइंग मोमेंट के साथ, इंजॉय के साथ, हंसी खुशी दोनों देख रहे हैं। देखिए खेसारी 1 2 दोनों यहाँ पे खड़े हैं। पहले सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। विवेक कुमार, विवेक कुमार डिस्ट्रिक्ट रोहतास से, और इनके माता पिता जी यहाँ पर उपस्थित है, थोड़ा सा साइड होटेंगे। तो आप लोगों का भी हमारी टीम में स्वागत है, आप गार्जियन है, और जहाँ तक हमको मालूम है कि आप लोग दोनों आदमी शिक्षक हैं। तो हम तो अभी उम्र में बहुत माने बच्चे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि जैसे आपका बेटा है वैसे हम हैं। तो हम क्या विशेष बोलेंगे, आप ही जिन भाई का फिजिकल बच्चा है, जिन लोगों का भी फिजिकल बच्चा है, या आप हमारी टीम में, क्योंकि आप भी प्रत्येक दिन बच्चों को शिक्षा देते हैं, स्कूल जाते हैं और हमेशा ज्ञान की ही बातें करते हैं, तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं हमेशा उन बच्चों को, तो आप मार्गदर्शन देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी टीम के बारे में? सबसे पहले मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो इतना बहुमूल्य समय इन बच्चों के बारे में इतना अपना समय देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, इससे इन बच्चों में जागृति आती है और काफ़ी मेहनत करते हैं, ये मेहनत की फल है। ठीक है, आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसी का परिणाम आज सामने आ रही है, और इसका श्रेय जाता है हमारे गुरु जी को। धन्यवाद। आज खुश हैं आप? बहुत खुश। और माता रानी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी शिक्षिका हैं? हम तो यही बोलेंगे कि जिस तरह ये बच्चे लोग अपने मेहनत कर रहे हैं, उस तरह ये अपना आगे बढ़ने का भविष्य में विकास करें और आगे बढ़ें और मेहनत करें, यही कामना है। धन्यवाद। तो खेसारी जी क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहिए, सब डर लगत रहे, लेकिन अंदर रहने लगे तो तनिको हमारा बुझेबे ना करें कि दौड़े आयल बनी कि गाली में चलते लेकिन अनुभव भैल अजय भैया के कि हम जब ग्राउंड में घूमत रही ना, दौड़ रही जब, तब कटल है बतैल कटल है देख ले लड़न एक जना, एक छोटा बाजल तो 10 गो 5 गो कटा के लड़न हुए, चलिए बढ़िया। इमोशनल आशीर्वाद गए, काम हो गए। अजय भैया जब टाइम लागत रहता है, अजय भैया बाजत रहे, आशीर्वाद मिल जाते रहे, वो जो आशीर्वाद मिल गया बस हो गया। तो बास्की आया है बहुत दिन के बाद, क्या कहेगा बास्की? नमे ब्रांड है। ब्रांड तो अब क्या बोल सकते हैं आप लोग, प्यार है बेटा। आज फिजिकल था, क्या कहना चाहोगे गुरु जी? हम क्या कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, गुरु जी का नाम है ब्रांड है। हाँ। और हमको एक ही बात याद रहता है कि अगर बेटा तुम किसी को काट नहीं सकते हो, तो ये मैया का लाल नहीं है कि कोई तुमको काट सके। आज वही हुआ गुरु जी, हम 3रे नंबर पे थे और पीछे से भी 40 लड़का था और कोई हमको काटा नहीं, बस उसी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए आपने। क्या कहना चाहोगे हीरो हीरालाल? क्या नाम है? सरोज कुमार। सरोज कुमार क्या बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहेंगे, आपका जो बोले थे ना गुरु जी कि किसी को काट नहीं सकते हो, किसी से कटने करना अपने का नहीं है, उसी वजह से हम लगे रहे और 5 रन में हमको सोचा एक काट दे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, हम भी तो दूध पिए हैं माँ का। हाँ। ऐसा थोड़ी बात है कि पानी पिए है। हाँ। तो आ जाए बेटा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं कटने तो कबार दिए एकदम। बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहोगे भाई? बस यही कहना चाहेंगे कि गुरु जी का आशीर्वाद और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके, और जब ग्राउंड में जब दौड़ रहे थे तो इन्हीं लोगों का चेहरा याद आ रहा था, इनकी बातें याद आ रही थी, और वही एकदम आँख बंद करके एक को भी काटने नहीं दिए, और 40 लड़कों में हम 4th नंबर पे थे, और बस गुरु जी का आशीर्वाद से आज यहाँ पे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों देख रहे थे, और खेसारी लाल कहाँ गया? तो साथियों आप देख रहे हैं, ये आज हम लोग जो बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मेहनत कर रहे थे, दिन दूनी रात चौगनी लड़कों के बीच में रहते थे, कब सुबह से ठंडी के मौसम में कम शाम हो जाती थी, अभी धूप में जिनका अभी फिजिकल है 1-2 बजे, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम यदि खाली पैर प्रैक्टिस करने अंदर जाते हैं तो कम से कम
पट्टी लगा के ही जाए पैरों में, या एंकलेट लगा के जाए, या सॉक्स कुछ लगा के ही जाए, क्योंकि तो जैसे ही 11 बजने के बाद जिनका भी रिपोर्टिंग टाइम है 12-1-2 बजे, थोड़ा ज़मीन हीट सी हो जाती है और जिसकी वजह से पैरों में फोका वोका हो जाता है। आप कितना भी खाली पैर प्रैक्टिस क्यों ना किए हो, तो थोड़ा सा सेफ्टी दीजिए पैर को, ताकि हाई जंप आप बेहतर कर सको। नहीं तो जो लड़के 4-8-5 फीट करते हैं उनका कुछ कमी हो पा रहा है, तो इस चीज़ का विशेष आप लोग खासा ध्यान देंगे जिनका भी फिजिकल अभी 1-2 दिनों में है। तो कम से कम पैर यदि आपका सही रहता है ना, तो लास्ट में आप हाई जंप में एफर्ट पूरा लगा पाते हो, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं कि आपके, एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते, लेकिन यदि आपके अंदर जीत भी रहेगा ना, तो पैर फट भी जाएगा, उस समय क्रैम्प भी आ जाएगा, पैर टूट भी जाएगा, फिर भी आपको पास होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। बस शर्त जो जीत होनी है ना, जो जीत होनी चाहिए वो जीत की होनी चाहिए, तो फिर आपके घाव मायने नहीं रखते हैं कि कितना धूप हो रही है, क्या पैर फटा है, कितने फोके हुए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए एक बार पुनः पूरी टीम गुरुजी की ओर से, सभी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे गार्जियन भी यहाँ पर उपस्थित है, पूरी टीम की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है, जय हिंद, वंदे मातरम।